सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। तो जैसे कि भाई थंबनेल देखकर टॉपिक का अंदाज़ा आप लोगों को लग ही गया होगा कि आज मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ। तो बरसिंग के बारे में तो बताऊंगा ही बताऊंगा, और साथ ही साथ भाई उसका टाइम जो बोने का है वो भी बताऊंगा, और उससे क्या होते हैं फ़ायदे और उससे क्या ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हो वो भी इसी वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो भाई शुरू से लेकर वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को एक बार जाकर सब्सक्राइब करके चैनल को चेक भी कर लेना, क्योंकि यहां पर हम लोग भाई इनकी फार्मिंग से रिलेटेड, अंडे से रिलेटेड, इनकी बीमारियों से रिलेटेड सारी चीजें डालते रहते हैं। तो ये है हमारा छोटा वाला फॉर्म और वो है हमारा सामने बड़ा वाला फॉर्म। तो चलो अब बताते हैं आप लोग को भाई बरसिंग बोने का सही टाइम क्या है और उससे क्या होते हैं फायदे। तो सबसे पहले टाइम की बात बता दूं भाई, ये है परफेक्ट टाइम, यही टाइम है भाई अक्टूबर की भाई मिड में, मतलब जैसे 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर ऐसे मिड में आप लोग बोना शुरू कर सकते हो, और जाके नवंबर के आखिरी मतलब 14-15 तारीख तक में इनके बीच में आप लोगों को हर हालत में बो देना है बरसिंग, यही सबसे टाइम बढ़िया है। और अगर बात करें कि भाई पहली कटान आप लोग कब काटोगे, कितने दिनों में आप लोग काट लोगे, मान लो जैसे अभी बोते हो तो लगभग भाई 50 से 55 दिन में पहली कटान भी आप इसकी काट लोगे, और बेहतर रहेगा भाई आपके लिए अभी बोलोगे तभी ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि उधर ठंड आते आते भाई आपका ये जो चारा है हरा वाला ये तैयार हो जाए। क्योंकि सबसे पहले तो आप लोग को बता दूं भाई बरसिंग के फायदे क्या होने वाले हैं। बरसिंग में भाई इतना बढ़िया कैल्शियम होता है जो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहता है, और साथ ही साथ भाई उसमें मिनरल्स वगैरह रहते हैं और प्रोटीन वगैरह की मात्रा अच्छे से रहती है, तो इनमें जो शाइनिंग है इनबर्ड में वो बहुत बढ़िया रहती है। और साथ ही साथ अगर आप गाय भैंस वगैरह पाल रहे हो तो उनके दूध में प्रोडक्शन जो है उसे बढ़ाने में भी भाई बरसिंग बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, और हरा चारा में सबसे बेहतरीन बरसिंग को माना जाता है। अभी बात करूं कि भाई जो इनको खिलाते हो तो भाई इनसे मतलब जो बर्ड है आपके, इन मुर्गियों को खिलाने में आपका क्या फ़ायदा है। अगर भाई बर्ड छोटा है तो भाई उसमें प्रोटीन की मात्रा भी काफ़ी अच्छी होती है, जिससे भाई इनकी ग्रोथ में बहुत बेहतर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और साथ ही साथ अगर आपकी मुर्गियाँ अडल्ट हो चुकी हैं, यानी कि 4.5 और 5 महीने की हो चुकी है, तब भाई एक टाइम इनको बरसिंग ज़रूर से ज़रूर देना, आपको बहुत ज़्यादा मतलब डबल फायदे होने वाले हैं। पहली बात तो ये कि आपकी जो फीड का खर्चा एक टाइम का पूरी तरीके से बचने वाला है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई जब इसमें आप बरसिंग खिलाते हो तो बरसिंग में क्या होता है कि भाई कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, और कैल्शियम भाई इनको अंडे के टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे आप कैल्शियम सिरप पिला सकते हो या फिर बरसिंग वगैरह अगर खिलाओगे तो भाई कैल्शियम इनके अंडों के सेल बनाने में, इनको ज़्यादा से ज़्यादा अंडे भाई दिलाने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है कैल्शियम। तो उसीलिए आप बरसिंग इनको अच्छे से दे सकते हो भाई, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है इनके लिए। और अगर बात करूँ कि भाई कितना आपको बोने में लगभग कितना लगेगा भाई बरसिंग, आप कितनी बो दोगे तो जिससे इनका 5-6 महीना आराम से मतलब अगला जो भाई गर्मी का समर का टाइम है वो आने में मतलब उत्ती कटान करने में आपको 5-6 बार आप लोग 5-6 महीने चला लो इनसे। तो अगर आपको बोना है तो भाई लगभग लगभग 250 रुपये तक के बीज, 200 रुपये से 250 रुपये तक को आप ले लो इनके लिए बीज पर केजी ऐसे ही मिल जाता है, और उसको एक एकड़ में लगभग बो सकते हो आराम से, एक एकड़ ज़मीन में उतना बो सकते हो। और भाई अगर आपको बता दूं भाई फिर से बता दूं कि भाई लगभग 50 से 55 दिनों में आप लोग इनकी कटान शुरू कर सकते हो, और एक बार आप जैसे काट के इन्हें खिला देते हो, मान के चलो पूरी तरीके से कट जाती है और ख़त्म हो जाती है। हाँ आपको बता दूं कि भाई इसे जड़ से नहीं काटना, जो बंदे नए हैं उनके लिए भाई वो बरसिंग को जड़ से नहीं काटना, इसका काम भाई धनिया की तरीके होते हैं, थोड़ा सा पत्तियाँ ऊपर ऊपर का मतलब कायदे से काट लो, उसके बाद भाई 30 से 32 दिन में या बहुत खींच के 35 दिन में भाई नेक्स्ट कटान के लिए भाई ये बरसिंग फिर से तैयार हो जाती है। और ऐसे ही करके आप 4 से 5 बार भाई आराम से काट सकते हो, यानी कि अगर आप लोग 250 रुपए के बीज में एक एकड़ तक में अगर बो लेते हो, अच्छे से निकल आती है बरसिंग, तो आप 5 से 6 महीने आराम से इनको खिला सकते हो, अपना एक टाइम का चारा बचा सकते हो, कैल्शियम वगैरह मिनरल्स वगैरह की मात्रा अच्छे से इनकी बॉडी के अंदर पहुँचा सकते हो भाई। बरसिंग बहुत अच्छा माना जाता है, चाहे वो बर्ड हो, चाहे बकरी हो, चाहे गाय हो, चाहे जो सा भी जानवर हो, जो भी हरा चारा खाता है वो सब के लिए बहुत बेहतर होता है। तो अब बताओ भाई वीडियो कैसी लगी, पसंद नहीं हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार चेक कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके जरूर से बताना। यहां से करते अपने वीडियो गाइड, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।